संहिता आगे बढ़ सकती है, क्योंकि यहाँ इन्होंने इंदौर में भी हमने देखा गीता हारते हारते बची थी और आज साक्षी हारते हारते बची। देखिए कुश्ती है, कुछ ऐसा टाइम आता है कुश्ती का, बाउट का, कि भाई वहाँ पे जो समझदारी करता है, समझदारी से कुश्ती लड़ जाता है, वो बहुत फायदे में रहता है। जैसे आज साक्षी और सरिता की कुश्ती थी, 4 पॉइंट का और 1 का स्कोर था, और वहाँ पे अड़का सा ये अगर झुक के लड़ती या बगल में हाथ देकर लड़ती तो थोड़ा टाइम बचा था, वो नेचुरल है, वो टाइम निकल जाता और विनर हो जाती। यह कुश्ती की एक सेंस है, जो कुश्ती की सेंस को नहीं खोता, पजल नहीं होता, वो एक अच्छा खिलाड़ी होता है। लेकिन हमारे बच्चों की कुछ छोटी छोटी गलतियां हैं जो यहाँ में अपने इंडिया में प्लेटफॉर्म मिल रहा है, कॉम्पिटिशन मिल रहा है, और इससे हमारे बच्चों का हौसला बढ़ता है। एक साक्षी बहुत बड़ी मेडलिस्ट है, उसके साथ इतना लड़ना बहुत बड़ी बात है, जूनियर है या भी, ये और आगे चल के और अच्छा सीखेगी, और मुझे उम्मीद है साक्षी और आगे बढ़ेगी और सरिता उससे और आगे बढ़ेगी। सरिता अगला मुकाबला आपका गीता फोगट से है, क्या कहेंगे उसको लेकर, कितना दबाव है आप पर और कितना आप आश्वस्त हैं उस मुकाबले को जीतने के लिए? दबाव तो कुछ नहीं है, ये कुश्ती है, हार जीत तो चलती रहती है, ये नहीं कि भाई मैं उससे जीतूंगी या फिर वो मेरे से हारेगी, वो मैट पे पता लगता है, जिसका जो सही टाइम पे सही दाव लगाता है वही जीतता है, तो वो मैट पे पता लगेगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, दबाव की कोई बात नहीं है। आज ही के मैच में आपने जैसे पहले भी बात की थी, मैच से पहले जब आपसे बात हो रही थी तो आपने खुद बताया था कि आपको पता था कि साक्षी जो है लास्ट मिनट तक होप नहीं छोड़ती है और उसका खेल आपने काफी उनका देखा हुआ है, तो आप लीड ले चुकी थी, कहाँ आपसे आप मान ली चुकोगे कि मैंने अपनी बढ़त खो दी और वहां से क्या वहीं से आपका खेल? जैसे कोच साहब ने बताया जहाँ पे वो मेरी पट, मैंने बताया था कुश्ती से पहले कि वो पट में लगती है, उसने वही अटैक मेरे को लगाया और मैंने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर कहीं मेरी गलती रहेगी जहाँ मैं वो 4 का दाव लग गया और लीड में आ गई। अगले मुकाबले के लिए आपकी क्या तैयारी रहेगी, जो आज गलतियां आ रही है उस पर कैसे वर्कआउट? जहाँ मेरी कमियां है उसको सुधार के मैं अगले मैच के लिए तैयार होंगी। So he's saying that, they wrestled before, so he knew that he was the tough guy, so it won't be like the easy the match, but he said like he tried his best to win because for the team it was like the very important match, so today like we got in semifinals, so he could not lose today, he's saying. So I asked basically this question just because before the match he said that he had challenged him just because he had lost earlier and now this is a crucial win for him. Ano emito kitkheo ro ano tamashamde utkhva ro tsagebuli makho ra magastano da ese mnishnelovani ario ekha ro mouganda tsagina me no no hine ah he okay ano imas utkheo ro tsage no ise ჩვენი გუნდის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს მოგება იქიდან გონდა რომ პირველად ნუ გავინახდეთ ნახევარფინალში გასვლა და ეს ორ მაგათ მოტივაციას გვაძლევდა რა ვიცი სხვა რა უნდა. Yeah, there are lots of guys who lost like before with him, so that's not surprising for him. And so again, like he's saying that he tried his best to make the team in the semifinals, and that's it. अगला सवाल मेरा आपसे है, अब क्योंकि आपकी हरियाणा टीम जो है क्वालिफाई कर गई, तो अब आगे राउंड के लिए आप किस तरीके से तैयारी करेंगे कि जो आज गलतियां हुई हैं जो सुधार हो रहा है और कोशिश करेंगे अगले मैच में ये गलतियां ना हो, और जिस तरीके से हमारे रेसलर्स आज लड़े हैं बहुत बेहतरीन लड़े हैं, ग्लादिमीर अच्छा लड़ा है, सुई बहुत अच्छी लड़ी है कुश्ती, और सरिता भी बहुत अच्छी कुश्ती लड़ी, और हमारा 74 की खेतिक के तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ही लड़ा है, तो बहुत अच्छी टीम है, बेस्ट है, और जो छोटी छोटी गलतियां हैं उसको अगले मैच में हम नहीं होने देंगे, इनको समझा के और अच्छे तरीके से हम उसको मैच को जीतेंगे। Ну, так, ты ждал, что этот
схватка получится так легко для тебя? Ожидал я? Да. Ну, как ты думал? Нет, не ожидал. Я просто знал, что команде нужна уверенная победа. Я вышел, сделал свою работу. So, yeah, he didn't know that would be, like, easy for him, but he's saying that the coach said to him, like, before the match, so he needed to, like, win by the, like, the to get as much points as he could, so he tried that for the team as well. He hasn't dropped a single point yet, so what does he have to say about that? Ну, типа, говорю, что тебе еще никто не этот балл не взял. Как ты себя чувствуешь? А, нет, не то, что не взял, это я не даю, скажи. Уже не छोटी सी रणनीति हमने बनाई थी जैसे कि पहले उनके तीन मैच हुए हैं वो ये वो भी इजी थे इनके लिए कोई टफ नहीं थे वो भी इजी थे मैच इनके लिए कोई टफ नहीं थे पर लेकिन आज इनको हमने ये कहा था कि आपको जितनी जल्दी हो सकता है पहले राउंड में उस मैच को फिनिश करना है दूसरे राउंड तक नहीं लेके जाना या तो आप उसको चित करो या टेक्निकल सुपीरियरिटी से जीतो Is the game good today or not? Maybe this. No. यहाँ बैठी बैठी मुझे बता रही थी कि आज अच्छा नहीं कर पाई मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग में बाद में अच्छा किया है. Next match. Okay. बोलो देने I think oh yes I know Chinese 下一场对威尼斯 yes is maybe okay इन्होंने बताया था हमारे को भाई आज स्टार्टिंग में मैं अच्छा नहीं कर पाई मुझे बड़ा महसूस हो रहा है फर्स्ट राउंड में लेकिन बाद में थोड़ा सा इसका ये था कि मैं 15 से बाहर निकालूंगी लेकिन वो नहीं हो पाया ये बस मेरे को बता रही थी वहाँ बैठी बैठी आगे वो बार बार उंगलियां जो पकड़ रही थी रेफरी ने बार उसको मतलब पेनल्टी भी दी कॉशन भी दिया और इस तरह से बताया कि मैं पहले राउंड में इतना अच्छा नहीं खेल पाई इतना कि फिर मैंने दूसरे में बहुत था बहुत और हमें मैंने इतनी हिंदुस्तान की पब्लिक की इस कुश्ती को देखने के लिए बहुत दिनों से बेताब थी जब से लीग शुरू हुई है एलन की और ओडनायो की कुश्ती होनी है तो आज सब लोगों ने मिस किया है वो बहुत अच्छी कुश्ती होनी थी अभी वो फिजियो से और डॉक्टर से सलाह कर रहे हैं वो कितना वो रिकवरी है उसके अब दो तीन दिन और है रिकवरी हो जाएगी उसकी और कुछ सब एक सवाल आपसे ये है जब तीन तीन हो गए थे मुकाबला जब तीन तीन पे आ गया था सारा कुछ जो डिपेंड करता था वो सुमित पर डिपेंड करता था आपने बहुत अच्छे से सुमित को क्लोजली आप जानते भी हैं उनको और ट्रेनिंग भी आपने दी हुई है क्या कुछ चल रहा था उस समय दिमाग में क्योंकि आज हरियाणा का जीतना बहुत ही जरूरी था और वहीं वो भी दूसरी टीम भी विपक्ष मुंबई महाराथी भी पूरी कोशिश कर रहे थे क्या कुछ था उस स्ट्रेटेजी जो लास्ट गेम पर सारा डिपेंड भाई स्टार्टिंग में जैसे उन्होंने स्टार्टिंग में पैसिविटी दी थी सत्येंद्र को उसके बाद हमें ये लग रहा था कि भाई हो सकता है सुमित एक पॉइंट पे ना हो फिर बाद में कोच साहब सुजीत कोच साहब वहां पे भी गए थे आप टेम में थे उन्होंने भी समझा भाई एक पॉइंट से नहीं काम चलेगा आपने और अटैक करना पड़ेगा अगर एक पॉइंट पे डिपेंड रहोगे हो सकता है आप ही पैसिव हो जाओ लास्ट पॉइंट से वो विनर हो जाए तो ये प्लान हमने कोच साहब ने वहां पे बीच में जाके समझा दिया था और उसका उसने दिमाग में बिठा के उसी हिसाब से उन्होंने कुश्ती लड़ी आपने देखा लेग अटैक करके उसने दो पॉइंट का स्कोर किया और उसके बाद फिर एक लिया तो बहुत अच्छा तरीके से उसने कुश्ती को समझ के निकाला इस कुश्ती को हमने ये पहले से ही प्लानिंग बनाई थी जैसे ही टॉस हुआ ये क्लियर हो गया था कि भी सुमित को खेलना है तो हमने उसको बोला था कम से कम आपको चार पॉइंट उसको लेने ही लेने हैं क्योंकि एक और दो पॉइंट का कोई भरोसा नहीं है कब चला जाए और स्पेशली हैवी वेट में क्योंकि कई बार बैलेंस नहीं बनता तो हमने उसको कुश्ती के टाइम भी मैंने उसको बार बार मैं बोलता रहा कि आपको कहाँ पे अटैक करना है आपको कहाँ तक डिफेंस करना है जैसे सेकंड राउंड में उसको 30 सेकंड का टाइम दिया गया था सत्येंद्र को तो उसने खेमे करके उसको रोका हुआ था मेरी तरफ देख रहा था मैं उसको बार बार बता रहा था कि अभी कितना टाइम बाकी है अभी 25 सेकंड हो गए 26 हो गए इस तरह से आपको एक पॉइंट मिल गया अब आप इसके ऊपर अटैक करना है
आज की गेम में किससे डिसअपॉइंटमेंट मिली आपको? 4-3 एक्सपेक्ट किया था आपने या फिर? जैसे हमने टॉस जीता उसी टाइम हमें पता लग गया था कि हमारे रेसलर कौन कौन जीत सकते हैं, क्योंकि उनके ओपोनेंट के बारे में भी हमें पता है और अपनी जो टीम है उसके बारे में तो पता है ही। तो तभी हमने देख लिया था कि 57 है हमारा व्लादिमीर, जो है रियो ओलंपिक का गोल्ड मेडलिस्ट है, वर्ल्ड चैम्पियन है, पहले भी उसको हरा चुके हैं, फर्स्ट लीग में भी हरा चुके हैं उसको, तो हमें पता था कि ये जीत जाएगा। और ये बहुत ही सुपर लेवल का रेसलर है, इसको ये कभी भी मतलब पजल नहीं होता अगर जैसे 4 पॉइंट लूज कर गया था। जिस सेकंड राउंड हाफ टाइम में जब आए तो मैंने इनको बताया कि आपको क्या करना है, इन्होंने कहा आप चिंता ना करें मैं इजीली पॉइंट स्कोर कर लूँगा। और कई बार ऐसा होता कि टाइम कम था, जैसे इन्होंने 4-4 पॉइंट स्कोर बराबर किए उसके बाद भी उसको फितले लगाया, नहीं तो कई बार ऐसा होता कि भाई हमारे 4-4 बराबर हो गया अब मैं डिफेंस करूँ। उसके बाद हमारे खेती के जो भी अभी वर्ल्ड के सिल्वर मेडलिस्ट हैं और ये सुपर रेसलर हैं, इनका तो यहाँ कोई अभी तक जोड़ ही नहीं है, इनको ये बताया गया था स्पेशली कि आपको सेकंड राउंड में कुश्ती नहीं लेके जानी, जितनी जल्दी हो सकता आप इसको ख़त्म करें। फिर हमारी सुनियान है, इन्होंने इनको भी बताया था कि भाई ये जो सीमा जो लड़की है ये इंडिया की 53 kg की अभी टॉप है, तो आपको इसके साथ कैसे खेलना है। तो इन्होंने बताया कि मैं फर्स्ट राउंड में जैसे बार बार वो उंगलियां पकड़ रही थी, मैं इतना अच्छा नहीं खेल पाई, सेकंड राउंड में उसकी रिकवरी इन्होंने करी और अच्छी कुश्ती हुई। उसके बाद सुमित की बात आती है, सुमित पहले भी कई बार सतेंद्र को हरा चुका है, तो उसका भी हमें पता था कि वह उससे अच्छा ही है और जीत सकता है। Все так же, как и 4 матча. Как прошли мои 4 матча, так должен пройти и пятый. So he's saying like is the previous 4 bouts, so he's waiting to win. Это команда чемпионов, скажи. So he's saying that we will win the whole tournament, so he's ready to win all the bouts, so yeah. इसके ऊपर अभी विचार करना है कि हमारी टीम कैसे जीत सकती है, हमारी टीम के इसमें क्या है वो बेस्ट देखा जाएगा और वही निर्णय फिर लिया जाएगा।